बीते दिन मुजफ्फरपुर के सांसद के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है एक निजी चैनल को, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्य है कि मुजफ्फरपुर के जो सांसद अजय निषाद जी जो बयान दिए, यह राजनीतिक से प्रेरित यह बयान है। अभी विधानसभा का चुनाव 2-3 महीना में होने वाली है और आज उनको नजर आ रहा है धर्मवाद, कभी जातिवाद। मुजफ्फरपुर पूरे भारत में एक ऐसा जिला है जहां कभी भी जातीय धर्मवाद की यहां राजनीति नहीं हुई है। 84 में भी सिख जिस समय इंदिरा जी की हत्या हुई थी, मुजफ्फरपुर में कोई घटना नहीं घटी थी। ये प्री प्लान बयान दिए हैं और एक धर्म को ये टारगेट किए हैं, यह बहुत निंदनीय बयान है और इसका जिला कांग्रेस कमेटी खंडन करती है। इनका दिमागी संतुलन खो बैठा है, यह राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, यह योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं। इनका फेल हो गया है, इनका छवि बहुत ही खराब है। यह नाव पर कई पार्टी बदले हैं, इनके पिताजी भी कई बार सांसद रहे हैं, हमारे आदरणीय हैं, गार्जियन रहे हैं यहाँ के, हम उनके बारे में नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन वही हमेशा जो है कि सभी जाति सभी धर्म को लेके चले हैं, कब्रिस्तान का घेराबंदी कराए हैं, ये भी बकरीद ईद में हमेशा जो है कि खड़ा रहते हैं, लेकिन यह राजनीति कर रहे हैं और एक धर्म को टारगेट करके चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर को दंगा में हम झोंक दें। ये कोरोना पॉजिटिव अगर आया है तो प्रवासी मजदूर आए हैं, उसका ठीक से भारत सरकार तो ठीक से किसी का ठीक से राहत ही नहीं बांटी है। ये दिल्ली में हमारे औराई के कितने प्रवासी मजदूर इनसे कांटेक्ट किया और साफ ही नकार दिए कि हमसे कुछ नहीं होगा, तो काहे के लिए आप सांसद बने? ये इनकी सरकार इनकी पार्टी सिर्फ दिखावा करती है। आज भारत में जो प्रवासी मजदूर इतना पैदल आए हैं और कितने लोग का दम तोड़ दिए हैं रास्ता में, चाहते तो जो जहां था पहले कहे कि जो जहां है वही रहे, लॉकडाउन हो गया तो हो गया, जो रोजमर्रा के जीवन में दैनिक मजदूरी करने वाले लोग को आप राहत नहीं पहुंचाए, आप ठीक से रख रखाव नहीं किए, जब वो भूखे मर रहा है, जब वो आवाज उठाया पैदल चल दिया, तो आप आज स्पेशल ट्रेन दे रहे हैं, वो भी 3500, 1500 और 2500 का टिकट। तो यह सब जो शोषण आप कर रहे हैं गरीब के साथ, जो गरीब का वोट लिए कहे हैं कि चाय वाला का बेटा है और ये कहे है कि हम गरीब, हम पिछड़ा अति पिछड़ा जाति का, मुजफ्फरपुर में हम अति पिछड़ा जाति से आते हैं और रिजर्व कर लिए मुजफ्फरपुर को, यह धरती जो है श्याम नंदन सहाय रामदालू बाबू का ही धरती रहा है और आप लगातार सांसद सभी जाति सभी धर्म के लोग आपको जीता है, लेकिन आप तो पूरा मुजफ्फरपुर को शर्मसार कर दिए। आप जो बयान दिए हैं, आप चाहते हैं योगी आदित्यनाथ बनना, हम लोग बनने नहीं देंगे, आपको जीरो पर आउट करेंगे, हाजीपुर पहुंचाएंगे, हम मुजफ्फरपुर का पुत्र हैं, हमारा हम लोग का अधिकार है मुजफ्फरपुर पर। आप तो बोरो प्लेयर हैं जो यहाँ पर आगे किसी सिंबल पर आप सांसद हो जाते, आप में क्या गुण है? आप प्रवासी बिहारी मजदूर को आप कुछ नहीं अति कर रहे, आप जो है कि विकास के नाम पर क्या कर रहे हैं वो सब लोग देख रहा है। आप यहाँ पर एक राजधानी ट्रेन नहीं खोलवा सके, एक एयरपोर्ट नहीं चालू करवा सके, कोई भी उत्तर बिहार का घोषित राजधानी है मुजफ्फरपुर, आप कुछ भी वैसा नहीं किए जो कि लोग कहे कि हाँ हम सांसद महोदय के द्वारा यह कार्यक्रम। आज लोग याद करते हैं श्री बाबू को, याद करते हैं केबी सहाय को, याद करते हैं जॉर्ज फर्नांडिस जी को भी कभी कभी याद कर लेते हैं लोग कि पावर उनका दिया हुआ है, लेकिन आप लोग का क्या है, आप लोग का क्या योगदान है मुजफ्फरपुर में सिवाय लूट खसूट के अलावा? मुजफ्फरपुर के आप अपने जो जाति आपके हैं वो बेचारा हत्या हो जा रहा है, उसमें आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सबको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहे हैं। आप दूसरी बात छोड़ दीजिए, आप अपने जाति को भी उल्लू बना रहे हैं
और उसका भी विकास नहीं किए जो अति पिछड़ी जाति से आता है, अब हमारे समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उसको भी आप मदद नहीं किए। इसलिए हम या तो आप माफी मांगे इस बयान के लिए, नहीं तो इस बार आपका जो मूवमेंट होगा, प्रवासी बिहारी मजदूर एकदम मन बना लिया है, आप चलिए ना, अब आने दीजिए सब मजदूर सबको, जो जो आपसे फोन पर बात किया है आज जब आप उसको नकार दिए, खाली मास्क और सैनिटाइज जो है 200-300 सिविल सर्जन को दे के आप फोटो खिंचवा ले, वैसे सांसद नहीं ना हो जाए, आप 6 विधानसभा का आप MP हैं, क्या किए हैं आप है? और आप चाहते हैं कि यहाँ पर हम धार्मिक अनुवाद बना दें, हम लोग होने देंगे? हम लोग सब जाति यहाँ पर जो है बाबा गरीबनाथ है, यहाँ पर दत्ता कमल सा मजार है, यहाँ पर मुजफ्फर साहब का मजार है, यहाँ पे जो है देवी मंदिर है, बंगला मुखी मंदिर है, सभी जा यहाँ गिरजाघर है, यहाँ गुरुद्वारा है मुजफ्फरपुर में। आपको बता दे कि यहाँ पे गुजराती लोग भी रहते हैं जवाहरलाल रोड में बरोट साहेब सब, और यहाँ पे मराठी लोग भी रहते हैं सोनर पट्टी में, यहाँ जो है और यहाँ पर खत्री समाज भी है, यहाँ पंजाबी समाज भी है, सिंधी समाज भी है, सभी जाति का ये मुजफ्फरपुर संस्कृति राजधानी है मुजफ्फरपुर। और आप भी अनखट सनी दे दिए संसद होके कि भाई जो है ये मुसलमान का और एक धर्म के बारे में जो है कि आप बोल दिए खरसानी, ये सब गलत बात है, इसका हम कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध कर रहे हैं। आपका दिमागी संतुलन खो बैठा है, आप माफी मांगिए और नहीं तो कांग्रेस पार्टी इसका आपका विरोध करेगी, यही हमको करना है। अच्छा, अजय निषाद जी जो कि मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, उनको देखकर कई लोग उनका अनुकरण करते हुए कार्य करते हैं, पर जब वो दिल्ली से आए तो बिना क्वारंटाइन में रहे हुए, वो बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगातार कई जगहों पर जाकर लोगों के बीच में कई चीजों का वितरण कर रहे थे, वहां साफ तौर पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हीं के सोशल मीडिया के माध्यम से आई हैं, तो उसमें दिखता है कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एकदम से नहीं किया। तो क्या कोरोना को बढ़ावा देने में उनका भी हाथ, क्योंकि मुजफ्फरपुर में अब तो केसेस आ रही हैं, आगे भी आने की संभावना है, तो क्या क्या कह सकते हैं, क्या कोरोना को बढ़ाने में उनका योगदान रहेगा? एकदम है, हमारे सांसद महोदय है, सेलिब्रिटी है, उनको देख के ही ना लोग पालन करेगा। आप जब आए हैं तो क्यों नहीं क्वारंटाइन हुए? यही गोला बांध रोड हमारे घर के पीछे सुनील गुप्ता बेचारे पुणे से आए थे, हस्बैंड वाइफ, उसके पिताजी तारा नर्सिंग होम में पौमा में है, नीरो इकलौता लड़का है, वो बयापते से वहां के DM मुख्य सचिव महाराष्ट्र का पास लेकर आया, तो उस पर FIR हो गया नगर थाना में। और आप आए हैं तो आप घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, आप हमारे सांसद हैं और सेलिब्रिटी हैं, जब आप नहीं पालन करें तो गरीब लोग क्या इसे पालन करें? जब सांसद महोदय पालन नहीं करेंगे, ये तो बहुत बड़ा उन पर आरोप है और ये हवाबाजी है। हम सब हम लोग जानते हैं ये सब डुप्लीकेट भाजपाई नेता सब, BJP का नेता को भी हम लोग जानते थे जो अब नहीं है, बहुत लोग अब देश स्वर्गवास हो गए और बहुत लोग हैं जो घर में दुबक के अब रह रहे हैं। जितना भी BJP में आप देख रहे हैं ये सब जो है कि अप्रवासीय लोग हैं, जो ये पार्टी वो पार्टी में जाके अपना जो है सांसद हो जाते हैं। अच्छा, केंद्र सरकार के अधीन एक वेबसाइट चलती है MPLATS करके, उसमें कुछ आंकड़े दिए जाते हैं कि सांसद ने क्या खर्च किया है, क्या नहीं किया है, उनके पास क्या बचा है, तो उस वेबसाइट के आधार पर जो डाटा उस पर दिया गया है उसके आधार पर बिहार दस्तक के ही संपादक ने एक सवाल सांसद से किया, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर FIR कर दिया, इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर किसी भी पत्रकार या किसी पर पार्टी सांसद महोदय होते हैं तो यह गलत बात है। सांसद के लिए यहाँ के पूरे संसदीय क्षेत्र उनका परिवार है, जो वोट दिया वो भी, जो वोट नहीं दिया वो भी, और पत्रकार लोग का तो काम है, 4 स्तंभ है इस देश में, उसमें एक स्तंभ पत्रकार लोग भी है, अगर कोई बात अगर मुद्दा उठाते हैं तो उसको उनको खंडन करना चाहिए, ना कि FIR करना चाहिए, ये तो दुर्भावना से प्रेरित है। आज वो भी तो वोटर हैं और वो भी तो उनके परिवार का जो सदस्य है वो भी तो यहाँ के वोटर है, तो आप अपने वोटर पर FIR करते हैं, आप लोकतंत्र को दबाना
चाहते हैं। सत्ता शासन किसी का एक दिन नहीं ना रहा है। आप देखिए कि 90 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, 90 के बाद लालू जी आए, लालू जी के बाद नीतीश जी आए, राबड़ी जी आए, उसके बाद नीतीश जी आए, अब किसका शासन होगा। तो सत्ता किसी का एक समान नहीं रहता है, सत्ता का मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसका हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। अगर पत्रकार पर जो केस हुआ है वो गलत हुआ है, हम तो जनता से अपील करते हैं, मुजफ्फरपुर की जनता से, कि वो लोग भी विरोध करें। हम सभी पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर से और जितने पत्रकार हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि इसका विरोध होना चाहिए। यह लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, सांसद FIR कर दिए। यह दुर्भाग्य है कि कोई सांसद अपने वो परिवार का सदस्य, यहाँ का जनता परिवार है, और उसके खिलाफ अगर किए हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन धीरे धीरे उनका बैठा जा रहा है, उनको इलाज की जरूरत है। वो बेकार आ गए हैं यहाँ दिल्ली से, उनको एम्स में भर्ती होके कोई साइकोलॉजिस्ट से दिखवाना चाहिए, या विवेन साय लाजपत नगर में वहीं जाके दिखवाना चाहिए। ये आ गए हैं, और जो मैंने पहले ये वो गैस की एजेंसी था, अब सैकड़ों जो टैंकर चल रहा है, पैसा का तो कोई कमी नहीं है। इसलिए अब सोच रहे हैं कि अब एकदम जो है कि हम राजतंत्र स्थापित करें। चलिए, बिहार दस्तक से आपने बातचीत की, अपनी बातों को रखा, बहुत बहुत